आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं रिजवाना फ्रॉम हर किचन। और गाइज आज तो हम आज हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी के साथ जा रही हूँ। फर्स्ट ट्रिप है उसका इंटरनेशनल। डोमेस्टिक तो उसने घूमी है काफी सारी प्लेसेस इन इंडिया में। अब आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, और कौन सी कंट्री जा रहे हैं हम इसमें ही आपको बताएंगे। है ना गुजू, चलाओ बताओ। चलो निकल रहे हैं। ये तो जैसे आपने देखा, ये हमेशा नाराज ही रहती है, गुस्सा ही रहती है। तो हम किधर जा रहे हैं, क्या मतलब करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, आपको हम इस ब्लॉग में बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। सो गाइज, यहाँ पर रिजा बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मस्ती भी कर रही थी, और काफ़ी ज़रा सामान मेरा फैला रही थी। और हमने उसको फिर एक जगह बिठा दिया, थोड़ा कार्टून लगा के दे दिया। ऐसा उसको ज़्यादा मैं देती नहीं फ़ोन, थोड़ा थोड़ा कभी कभी दे देती हूँ ताकि वो मस्ती ना करे, मेरे को काम थोड़ा करने दे। और यहाँ पर हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी थी और बस अभी हम निकलने के लिए रेडी हो चुके थे। और रिजा भी अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ है मुझसे, जैसे आप देख सकते हो। उसकी नाराज़गी कभी दूर होती ही नहीं है, उसको पल पल भर में गुस्सा आता रहता है। और बस अभी हम निकल रहे हैं। सो गाइज, बने रहिए, जुड़े रहिए। चलो गाइज, अभी बस हम निकल रहे हैं, लिफ्ट भी आ रही है। सब तो बंद कर दिया मैंने। बस अभी हम निकल रहे हैं, है ना गुज्जू। हाय करो सबको। चल लिफ्ट आ गई, चलो चल 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 लिफ्ट आ गई, चलो 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 लिफ्ट आ गई, ले लो चलो। फोन किधर है बेटा? फोन आपका, फोन कहाँ है आपका फोन? हाँ रुक जाओ, रुक जाओ गुड्डू, तुम मत जाओ अभी, रुक जाओ, मम्मा इधर रहो। बहुत सारा सामान, मामा से हाय। गाइज, हम एयरपोर्ट के लिए जैसे आपने देखा निकल रहे थे, और अभी फाइनली एयरपोर्ट आ भी चुका है गाइज। और बस हमें चेकिंग वगैरह भी करानी है, और रिजा साथ में है तो उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि बच्चा साथ में है तो जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना होता है, क्योंकि थोड़ा बच्चे लोगों को भी देखना होता है। क्योंकि रिजा आप लोगों को पता है थोड़ी सी बदमाश है, मस्ती खोर है, तो उसको भी देखना है। और मुझे सब सामान वगैरह और सारी चीज़ें भी वो करनी थी, इसके लिए थोड़ा मैं जल्दी ही निकली थी। और फिर हम पहुँच गए थे मैकडोनल्ड्स, फिर मैकडोनल्ड्स में हमने काफ़ी बर्गर और काफ़ी सारी चीज़ें इंजॉय की, और रिजा को भी हमने फ्रेंच फ्राइज दिला दिया, उसको भूख लग रही थी।
और उसका टाइम शेड्यूल जो भी खाने का है वो तो मैंने पूरा बना के ही रखती हूँ, और मैं प्रॉपर तरीके से उसका सारा फूड्स का जितना भी मतलब बोलते हैं ना टाइम शेड्यूल जो भी है वो पूरा फिक्स रहता है हमारे घर पर, और उसका सारा जितना भी खाने पीने का इंतज़ाम होता है, जो भी सुबह से शाम तक के टाइम टेबल होता है, वो पूरा हमारे घर में जैसे कि ना इंस्टेंट हम बना के रखते ताकि तुरंत के तुरंत हम उसको बना के दे दे। गाइस अभी इधर तो एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, वो ये है कि जब हम लाइन में खड़े हुए तो यहाँ पर पता चला हमें कि फ़्लाइट 3 घंटा डिले हो चुकी है गाइस, तो इस वजह से हम इतना बोर हो चुके, और रिज़ा भी इतना परेशान कर रही थी और सता रही थी क्योंकि वो भी थक गई थी काफ़ी टाइम पहले। एक तो एयरपोर्ट पे हम निकल चुके थे, 3-4 घंटा पहले ही मैं एयरपोर्ट के लिए निकली थी, और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर ये भी इश्यू हो गया, टाइम भी थोड़ा वो हो गया, ऊपर नीचे हो गया फ्लाइट डिले की वजह से। और फाइनली गाइज फिर हमारी चेकिंग वगैरह हमने करा ली, और गाइज हमारा इमिग्रेशन भी हो चुका था और सारी चीज़ें हो चुकी थी, चेकिंग शेकिंग सब सब हो चुका था। फाइनली हम अभी फ्री हो चुके थे सब चीज़ों से, नहीं तो काफ़ी टाइम से पासपोर्ट और वीज़ा टिकट्स एंड बोर्डिंग पास सब हाथ में लेके घूमना पड़ रहा था। तो हमने अभी ये सोचा कि रिज़ा को भी चेंज करना है, और तो और उसको भूख भी लग रही थी, उसका टाइमिंग हो चुका था खाने का, तो हमने उसको चेंज भी कर दिया। लॉन्च में हम आ चुके हैं, और तो और उसको खाने का जो भी था सिस्टम उसका थोड़ा दाल राइस मैंने सोचा उसको थोड़ा खिला दूँ, और अभी हम आ चुके हैं लॉन्च में। और यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी गाइस डिनर की, हम डिनर के टाइम पे यानी कि फ़्लाइट तो जैसे लेट ही थी तो डिनर का आखिरी टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया था टाइम, क्योंकि 3 बज गए थे गाइस, और उसके बाद कुछ ही टाइम में अभी ब्रेकफास्ट भी लग जाएगा, तो हमने बोला चलो अभी डिनर कर लेते, ब्रेकफास्ट जब लगेगा तब लगेगा। और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डिशेस थी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा मैंने ये सब लेके आया है, और रिज़ा और मैं मिल के खा रहे हैं, और हमारे सब फ्रेंड्स भी आए थे साथ में, जितने भी आए हैं, कोई कोई वीडियो में आता है कोई कोई नहीं आता है, तो हम दुबई के लिए निकले हैं घूमने के लिए सारे फ्रेंड्स। और यहाँ पर कैपिचिनो भी बहुत अच्छी थी गाइस, और उसके साथ साथ यहाँ पर रिज़ा का नखरा आप देख सकते हो। से हाय, से हाय बुद्दी, से हाय मम्मा। गाइस देख सकते हो रिज़ा का नखरा, हाँ अच्छा नोक दू हम लोग बिना सोए हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं गाइस, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, चेंज हो गया मेन्यू, मेन्यू भी चेंज हो गया है। हेलो हेलो, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर लाइन लग चुकी है ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट लग रहा है और यहाँ पर लाइन लगाया है काफ़ी लोगों ने, डिनर का जो एक्चुअली डिनर हो चुका था, अभी ब्रेकफास्ट भी लग रहा तो यहाँ पर लाइन निकली, अभी भी रिज़ा कितने का खाना ये क्या 2 रुपये है, 2 रुपये का क्रेडिट कार्ड का 2 रुपये अच्छा अच्छा ओके ओके मेरा तो वो भी नहीं कटा, खाया नहीं गया एक्चुअली, मेरे को तो यहाँ पर नहीं खाया। अच्छा मामा, और रिज़ा बहुत मस्ती कर रही है, अभी तक का कितने चेंज कर चुकी है इसने कपड़े गाइस, खा रही है लगा रही है गिरा रही है क्या क्या कर रही है पता नहीं। हाँ दे दे, खाली पेपर निकाल देना यहाँ से। गाइस ब्रेकफास्ट लग चुका है, बहुत गर्दी है गाइस यहाँ पर सब टूट पड़े हैं, इडली तेंदू वड़ा डोसा काफ़ी सारी चीज़ें गाइस। हाँ बॉयल एग ले लो जल्दी, इडली अगर एक पकड़ा दो तो वेंदू वड़ा लिया ना इसके लिए, बॉयल एग ले लो गाइस। ब्रेकफास्ट भी लगा है और हमने तो खाना भी खाया रात का, और ब्रेकफास्ट तो
अब यहाँ पर लगाए तो थोड़ा थोड़ा ये भी टेस्ट कर लेंगे गाइस। काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खाना खाया माशाल्लाह से, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी और बहुत मज़ा आया। और फाइनली सब खाने के बाद अभी हमको निकलना है हमारे फ्लाइट की तरफ। और हमारी फ़्लाइट जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और उसके कारण मतलब हम थक भी चुके थे गाइस। और बस अभी हम आ चुके हैं कार, जो फ्लाइट पे जो कार होती है उसमें अभी हमें ड्रॉप कर रहे, क्योंकि रिजा इतना चलने नहीं दे रही थी मुझे और बोल रही थी बार बार गोद में उठा लो, गोद में उठा लो। तो फिर ये ऑप्शन बच्चे लोगों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए एयरपोर्ट पे रहता है गाइस। फाइनली हमें वो कार ने उतार दिया यहाँ पर और रिजा ज़िद करने लगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल जितने भी शो पीस लगे हुए थे उसको बहुत पसंद आ रहे थे गाइस। अभी हम आ चुके हैं हमारे गेट के सामने, 85 नंबर है गाइस। और ये देखो रिजा ने पूरा पैसा वसूल किया, टिकट से लेके लॉन्च से लेके हर चीज़ का। और उसके साथ साथ काफ़ी हमें इंजॉयमेंट भी कराया उसने। और अभी वॉशरूम जा रही है रिजा चेंज करने के लिए फिर से। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और गाइस मेरी फ़्लाइट जो है 5 घंटा पूरा लेट हो गई थी। इसी दौरान मतलब रिजा भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। और अभी बज रहे हैं 6:30 गाइस, फ़्लाइट 6:30 स्टार्ट हुई, रनवे पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया था पायलट ने। और अंधेरा था और अभी देखो आप सुबह हो गई है गाइस, यानी कि जो फ़्लाइट 1:50 की थी वो फ़्लाइट 6:30 उड़ रही है। आप देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी फ़्लाइट, इसके कारण हम डबल ट्रिपल थक गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट पे बैठना और बच्चा भी है और इतना सामान और इतनी थकान हो गई थी कि क्या ही मैं बोलूँ। चलो फाइनली उड़ तो गई है फ़्लाइट, मुझे तो लगा था आज पहुँच पाएंगे क्या नहीं पहुँच पाएंगे। और गाइस मुझे तो इतनी तबीयत ख़राब लग रही थी कि मैं भी थोड़ा सो गई थी और रिजा भी थोड़ा सो गई थी, यहाँ पर देख सकते हो। Thank you.
टॉयलेट है या फिर पता नहीं क्या हो रहा है। ऊपर देखिए, एक घंटे से गोल गोल घुमा रहा है एक ही जगह पर, सिग्नल ही नहीं मिल रहा है उसको। और तो और टोटल हमारा सफ़र ये हो चुका है 14 घंटे का, क्योंकि चार घंटे पहले हम घर से निकले थे, उसके बाद हम एयरपोर्ट पे 6-7 घंटा वेट किए, उसके बाद फ़्लाइट में बैठने के बाद भी 1 घंटा वो रनवे जो उन लोगों की फ़्लाइट जहाँ से उड़ती है वहाँ पर उसने खड़ा कर दिया था, फिर 1 घंटा भी ऊपर हमें घुमाया। मतलब 14 घंटे का सफ़र हो गया है गाइज़। ये बेवजह बेफजूल, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। और इतनी थक चुकी थी मैं और रिज़ा के, फाइनली अभी चलो लैंड तो हुआ। अब यहाँ पर लैंड होने के बाद देखते हैं कुछ तकलीफ़ आती है क्या। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ़ आएगी और अच्छे से हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस, रिज़ा भी सो रही थी क्योंकि रिज़ा काफ़ी हद तक के थक गई थी। कितना खेलेगी वो, कितना करेगी, एयरपोर्ट पे भाग भाग के मुझे भगा भगा के। दुबई में आपका स्वागत गाइस। फाइनली हमारा स्वागत हो चुका है दुबई में। और यहाँ पर हम फ्लाइट से उतरने के बाद हम आ चुके थे ट्रेन की लाइन में, यानी कि मेट्रो की लाइन में। मेट्रो डायरेक्ट हमें जहाँ पर हमारा बैग्स वगैरह आ रहा था वहाँ पर उतारने वाली थी, और वहाँ ऐसे ही होता है तो एयरपोर्ट पे गाइस। और जिसको पता है वो तो जानते ही, और जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पर मेट्रो दी गई है ताकि ज़्यादा चलना ना पड़े। और यहाँ पर सबके बैग्स आ रहे थे और सब अपने अपने बैग्स ले रहे थे गाइस, और रिज़ा भी नींद में से उठ के बैठी हुई थी। तो चलिए अभी हम फटाफट यहाँ से बैग लेते हैं और फिर निकलते हैं और आपसे बात करते हैं गाइस। सो गाइस, अभी हम घर पे पहुँच के या फिर रास्ते में जितना हो सके उतना दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी फ़ोन की बैटरी भी लो हो रही है। जा रहा है, टेक दिस वन आल्सो। ये हमारा सारा सामान सब लोगों का। तो चलिए गाइस, ये हमारा पार्ट वन है। ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे जब तक के हम दुबई में हैं, डेली के एक व्लॉग आएंगे ज़रूर। और अभी हम जा रहे हैं होटल पर, और इंशाल्लाह जो भी अपडेट आगे की रहेगी तो मैं आपको दूंगी। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अभी हम पहुँच गए होटल पर, चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।